मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ही रिक्शा शुरू करवाने और वाटर कूलर लगवाने जैसी सात सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शुक्रवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां पर कुलपति और रजिस्ट्रार के नहीं मिलने से छात्र आक्रोशित हो गए और उन्होंने वहाँ जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सभी छात्र एकत्रित होकर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस पहुँचे, जहाँ पर आयोजित एक कार्यक्रम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्रा मुख्य अतिथि थी। वहां पहुंचने पर छात्रों ने बाहर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ने कुलपति को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का एक अध्यक्ष हूँ। आज हम आठ मांगों को लेकर माननीय कुलपति मैडम के पास आए थे, परंतु विश्वविद्यालय का जो वातावरण है, जो यहाँ की भी स्थितियाँ चल रही, इससे स्पष्ट पता पड़ता है आने वाले छह महीनों के अंदर सुखाड़िया विश्वविद्यालय, अभी तो वर्तमान में तो काले दिन शुरू हो चुके हैं और छह महीने के अंदर विश्वविद्यालय में ताले लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की कुलपति मैडम से हम जब मांगों को लेकर हमारे SFS के तहत जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके बारे में जब हम चर्चा करने गए, तो मैडम का कहना है कि तुम्हारा उनसे क्या लेना देना, अगर इस विश्वविद्यालय के छात्र का एक गुरु से ही कुछ लेना देना नहीं होगा तो फिर मैडम का एक कहां तक मानना उचित। मैडम कह रहे हैं कि तुम हमारी बात मांगों लेकर मत आओ, तुम तुम्हारी पढ़ाई करो। तो एक लोकतांत्रिक अधिकार का हनन जो होता है एक विश्वविद्यालय में वहाँ की वाइस चांसलर करने का हमें संदेश दे रही, जो काफी गलत है। मैडम से हम जब छात्रावास की काउंसलिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो वर्तमान में तो छात्रावासों के जो अंदर प्रवेश के जो फार्म है वो अभी तक उसके प्रवेश भरने की तिथि भी बाकी है, तो मैडम कह रहे मैंने दो दिन पहले काउंसलिंग कर दी। मैडम कह रहे मैं काउंसलिंग कर चुकी हूँ और अभी तक तो प्रवेश फार्म चल रहे हैं, तो ये किस तरह की काउंसलिंग है? बोल रहे हमने एडमिशन ले लिया है। मैडम कह रहे हैं कि मुझे ये जो भी मैंने मांगे बताई वो सब हो चुकी है, उसमें तो आधी चीज तो अभी हुई नहीं है, जो चालू ही नहीं हुई है। मैडम कह रहे हैं SFS के तहत सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों को उनका दो महीने का सबसे सर्वप्रथम उनको भुगतान किया जाए, उसके बाद उनका जो टर्म है वो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जाए, उसके बाद उनका जो भी निर्णय COD एकेडमिक काउंसिल में ये इनका निर्णय ले। पर अभी जो विश्वविद्यालय का हालात क्योंकि गंभीर है, क्योंकि जो गैर शैक्षणिक कार्य TC माइग्रेशन यानी डुप्लीकेट मार्कशीट जो भी बनती परीक्षा विभाग में सीक्रेसी में वहाँ सब जगह SFS के तहत कर्मचारी लगाए वो सब अभी कार्य पर नहीं है, क्योंकि उन्हें डिपार्ट कर दिया गया। तो विश्वविद्यालय अभी अनाथ है, अकाल है, यहाँ के रजिस्ट्रार साहब के अध्यपति नहीं है। विश्वविद्यालय की हालत में आपके चैनल के माध्यम से पूरे सुखाड़िया यानी विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को भी कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश भर में कहना चाहता हूँ कि यहाँ विश्वविद्यालय की हालत काफ़ी गंभीर है। अगर सही समय पर अगर कोई सही निर्णय नहीं लिए गए तो विश्वविद्यालय के छात्रों को और यहाँ के कर्मचारियों को बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर। एडमिशन्स ओपन